हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं हेल्पफुल लॉस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है। 14 अप्रैल को जैसे ही लॉकडाउन की न्यूज़ आती है, सभी ट्रेनें रोक दी जाती हैं, सभी बस रोक दी जाती है, सभी फ्लाइटें रोक दी जाती हैं। 14 अप्रैल तक सभी ट्रेनें, सभी बसें, सभी फ्लाइटें कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक फ़्लाइट है जो कि 30 अप्रैल तक कैंसिल कर दी गई है। मतलब 30 अप्रैल तक इसका अनुमान है कि लॉकडाउन सरकार की तरफ से बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे में ये सोचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि क्या 14 अप्रैल के बाद से ट्रेन और बसें स्टार्ट हो पाएंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनी एयर इंडिया की। एयर इंडिया की तरफ से सभी फ्लाइटों को 30 अप्रैल तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है। अब जब एयर इंडिया 30 अप्रैल तक अपनी फ्लाइटें कैंसिल कर रही है, तो मैंने सोचा इसकी वेबसाइट पर जाकर के मैं फौरन चेक करता हूं कि क्या 30 अप्रैल तक वाकई में फ्लाइटें कैंसिल है या नहीं कैंसिल है। तो यहां पर मैंने दिल्ली से मुंबई का टिकट देखा 29 अप्रैल का। यहां पर आप देख सकते हैं डेट पड़ी हुई है, दिल्ली से मुंबई 29 अप्रैल को मैंने टिकट किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, यहां पर सब अनअवेलेबल दिखा रहा है। यहां पर 30 अप्रैल तक सभी फ्लाइटें कैंसिल है। बुकिंग जो हो रही है वो 1 मई और 2 मई के बाद की हो रही है, यानी कि 1 मई से बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहां पर दोस्तों, मैंने न्यूज पढ़ा तो यहां पर एयर इंडिया ने यह साफ किया है कि 14 अप्रैल तक तो लॉकडाउन है। 14 अप्रैल के बाद सरकार का क्या फैसला आता है, इसके इंतजार में एयर इंडिया रुकी हुई है। अगर 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया जाता है तो यहां पर एयर इंडिया की 30 अप्रैल तक फ्लाइटें कैंसिल रहेंगी। अगर 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाता है तो 14 अप्रैल के बाद से एयर इंडिया की बुकिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही टूर एंड ट्रेवल, फ्लाइट और ट्रेन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आगे भी लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।